नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बज मीडिया में। दोस्तों, दुनिया में अब भी कुछ ऐसे देश हैं जहां राजशाही चलती है, यानी वहां राजा का शासन चलता है। थाईलैंड भी ऐसा ही एक देश है। यहां के राजा का नाम है वाचिरालोंगकोन है। साल 2016 में अपने पिता भूमिबोल अदुल्यादेज की मौत के बाद वो थाईलैंड के सम्राट बने। भूमिबोल अदुल्यादेज ने करीब 70 साल तक थाईलैंड पर शासन किया था और वो दुनिया में सबसे लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठने वाले राजा थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके अंतिम संस्कार पर करीब 600 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उनके शव को सोने के रथ पर रखकर शमशान तक ले जाया गया था। आइए जानते हैं राजा वाचिरालोंगकोन के बारे में कुछ खास बातें। राजा वाचिरालोंगकोन अब तक 4 शादियां कर चुके हैं। पिछली 3 शादियों से उनके 7 बच्चे हैं। चौथी शादी उन्होंने साल 2019 में अपनी निजी सुरक्षा दस्ते की उपप्रमुख सुतिदा तिजाई से की थी। उससे पहले सुतिदा तिजाई थाई एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट थी। चक्री वंश के 10वें सम्राट राजा वाचिरालोंगकोन के पिता भूमिबोल अदुल्यादेज को राम नवम के रूप में भी जाना जाता था, जबकि राजा वाचिरालोंगकोन को राम दशम कहा जाता है। दरअसल वह खुद को भगवान राम का वंशज मानते हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजा वाचिरालोंगकोन दुनिया के सबसे अमीर सम्राट हैं। उनके पास 2,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की संपत्ति है। साल 2011 में जारी हुई फोर्ब्स की सूची में उनकी संपत्ति 2 से 4 लाख करोड़ रुपए के बीच आंकी गई थी। उनके शाही संपत्ति में अरबों रुपए का शाही महल भी शामिल है। राजा वाचिरालोंगकोन को अय्याश और रंगीन मिजाजी राजा के तौर पर भी जाना जाता है। कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि जर्मनी के एक शानदार होटल में वह शाही हरम की कई औरतों के साथ रह रहे हैं। उन्होंने होटल का पूरा फ्लोर ही बुक कर लिया था। तो दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप इस राजा के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें।